पहले प्रश्न से शुरुआत किया जाए। सीधे सीधे ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर कट प्रश्न अरिथमेटिक के नंबर सिस्टम से रिलेट करते आपको दिखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब हो सकती है, जैसे ऑप्शंस में आएगा अक्सर कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब अगर आपको पता है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके अंत में पूर्ण वर्ग होगी तो उसके अंत में ना दो आएगा, ना तीन आएगा, ना सात आएगा, ना आठ आएगा। इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकती है, ये भी कभी नहीं हो सकती है, ये भी कभी नहीं हो सकती। अगर होगी तो केवल यही होगी। जैसे इस प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है, आपके यहाँ जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में ऐसे आपको टर्म दिया जाएगा, पहली भी होगी, दूसरी भी होगी और कोई एक नहीं होगी, और ऑप्शन रहेगा इनमें से एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनकर सामने आएगा। बहुत ही आराम से इसको कंफर्म करिए, पीआरटी पर भी काम आएगा 100% अरविंद कुशवाहा, बिल्कुल काम आएगा। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका उपयोग आपको वहां दिखेगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। मैं आपको जैसे आपको दिखाऊंगा, तो आप जैसे देखिए, मैं आपको एक ऐसे सजेशन देता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता हूं, आप लोग प्लीज उसको डिसाइड करिएगा इसमें कैसा क्या हो सकता है। मैंने आपको तीन ऑप्शन लिख करके दिया, पहला ऑप्शन लिख कर दिया और ऑप्शन से पहले मैंने क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में क्या सत्य है, निम्नलिखित में सही बताना है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है लिखा है, तो होती है, कंपल्सरी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है। जैसे मैंने यहां पर पॉइंट कर दिया, सपोज करिए 12 to 5 है, आप ऐसे नोट करिए। सेकंड हमने लिखा बी ऑप्शन 9801, हमने सी लिखा 3722 और फिर मैंने डी लिखा यहां पर एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, ऐसे लिखा रहेगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, एक से अधिक, और फिर एक ऑप्शन रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको एक कंपलसरी तो बोला नहीं कि संख्या पूर्ण वर्ग ही है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके अंत में, जो पहले उसको निकाली जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, आपको पता है इसके अंत में दो है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, इसके अंत में पांच है पूर्ण वर्ग हो सकती है और है भी, इसके अंत में एक है या पूर्ण वर्ग हो सकती है और है भी, अब इनमें से एक से अधिक बिल्कुल पॉसिबल है, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान से उन बातों को समझिएगा, इनमें एक से अधिक संख्याएं आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार के पैटर्न को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा और मुझे भरोसा है कि आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। अब यहां पर जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपको पता है, जिसके आप लोग खुद ही कमेंट करके फटाफट बता दे तो अच्छा रहेगा, रिस्पांस देखकर समझ में आ जाएगा। जिसके अंत में सात है, जैसे आप सबको फिर मैं बता दूं, दो रहे, तीन रहे, सात रहे, आठ रहे, अगर किसी संख्या के एंड में, तो सिरे से उसको नकार दीजिए, भैया आप लोग पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हो, तो ना ए हो सकता है, ना ए हो सकता है, ना ए हो सकता है, और यही एक संख्या है जिसके अंत में पांच है और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर भी उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, एक से अधिक या केवल एक या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनेगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। और इसके लिए, क्योंकि अभी आप पढ़ना शुरू किए तो यहां पर भी एक इंफॉर्मेशन इसको लेकर के मैं आपके सामने अपडेट कर देता हूं, उसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। बात जब पूर्ण वर्ग की हो रही है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर की हो रही है, मैं आपको कुछ बातें यहां पर जैसे बीच बीच में लिखाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, तो उसको लेकर आप तो एकदम कंसर्ट रहिए, क्लियर रहिए। जैसे अगर कोई संख्या लीजिए, कोई संख्या लीजिए जिसके अंत में पांच हो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके अंत में क्या हो, पांच हो। जैसे अगर मान लो 15 है, 15 का वर्ग करिए क्या आएगा, 25 का वर्ग करिए क्या आएगा, ठीक है, 35 का वर्ग करिए क्या आएगा, 45 का वर्ग करिए क्या आएगा, 55 का वर्ग करिए क्या आएगा, 65 का वर्ग करिए क्या, 75 का वर्ग, इस तरह से हमने ऐसी संख्याओं की बात करी जिनके अंत में क्या है, पांच है, इंड में अगर क्या है, पांच है, ठीक है, ended with 5। जब इनका आप वर्ग करेंगे तो कंडीशंस क्या होंगी समझिएगा, 5 की वजह से 25 होगा, 5 की वजह से 25 होगा, और 1 के बाद 2 होता है तो 1 दूना 2 होगा, ठीक है, इसी प्रकार से यहां भी 25 होगा, 2 के बाद 3 होता है 6 होगा, यहां भी 25 होगा, 3 के बाद 4 होता है 12 होगा,
यहां भी 25 होगा, चार के बाद पांच। ध्यान से मेरी बात को समझिए कैसे हम सोच रहे हैं, अंतिम में पांच है तो पांच के वर्ग की वजह से 25 लास्ट टू डिजिट 25 आएगा। पहली संख्या देखिए उसके पहले एक लिखा है तो एक दूना दो होता है, यहां पर दो लिखा है दो तिया छह होता है, तीन लिखा है तीन चौके बारह होता है, चार लिखा है तो चार पंचे बीस होगा। ऐसे पांच यहां पर 25 देगा और पांच के बाद पांच छंगे 30 होगा। 25 लिखिए और छह सते 42 लिखिए, ठीक है 25 लिखिए और सात अठे 56 लिखिए, सात अठे क्या लिखिए 56। इस प्रकार से आपको एक कनेक्टेड टर्म मिलता जाएगा जिसके अंत में पांच है, उनके वर्ग करने से आपको यह सिक्वेंशियल पार्ट या सिक्वेंशियल कॉन्सेप्ट समझ में आता है वर्ग करने पर क्या आएगा। लेकिन एक बात समझिए, जब आपको यहां से कुछ चीज रियलाइज हो रहा होगा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, उसके अंत में पांच है, क्या है अंत में पांच है, इंड डिजिट पांच है, इंड मतलब इकाई, तो उसका जो दहाई का स्थान होगा कंपलसरी दो होगा फार परफेक्ट स्क्वायर। फार परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग के लिए इकाई पर अगर पांच है तो दहाई पर गारंटी दो होना चाहिए। अगर कोई संख्या पांच है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अंत में पांच है, तो इकाई पर तो पांच कंफर्म हो गया, तो दहाई पर गारंटीड दो होना चाहिए। अगर दो नहीं है तो किसी भी हालत में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मेरा यह लॉजिक ऐसे समझिएगा, जैसे आप ऐसे थोड़ा सा इसको रियलाइज करिए, विजुलाइज करिए अपने मन में, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अंत में पांच है, तो गारंटी है कि दहाई पर दो रहेगा तभी वह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अंत में पांच है, दहाई पर दो हो गया तो पूर्ण वर्ग ही हो जाएगा। 125 में भी अंत में पांच है और दहाई पर दो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन पूर्ण वर्ग अगर है तो वह अंत में पांच है तो दहाई पर दो होगा। जैसे ऐसे होता है कि आप अगर जिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपकी एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपने एसटीटी किया होगा, आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा, तो ये श्योर है कि जिसने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है उसने इससे पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जिन सभी ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली ही है उन सभी ने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जो क्वालिफाइड है, जो परीक्षा में क्वालिफाई हो गया, जो नियुक्ति जिसकी हो गई, 100% उसने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया। वही स्थिति है, अंत में पांच है तो दहाई पर दो का होना अनिवार्य है। लेकिन सभी के अंत में अगर पांच है और दहाई पर दो है तो सब पूर्ण वर्ग हो ही जाएंगे, ऐसा कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग ना हो उसके बारे में बताना है। अब जैसे देखिए यहां पर श्योर है कि इसके अंत में सात है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाकी जैसे अंत में एक है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, नौ पर भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसमें भी उसी प्रकार से ऑप्शंस बनेगा, एक से ज्यादा एक से कम, ये सारे हो सकते हैं, केवल एक ही ऑप्शन जो है जो सी है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इस बात को आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, श्योर कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बातें, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीजें। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है, जैसे आप इसको देखिए बताइए, आप सभी लोग क्लियर बता दीजिए कि यहाँ पर क्या इसका प्रोसेस होगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक पांच है, इकाई का अंक क्या है पांच है, पढ़िए ध्यान से, ऐसी वर्डिंग आएगी आपके यहाँ, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आएगा, तो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। मतलब अगर किसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग कह रहे हैं और उसके इकाई पर पांच है तो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक निम्नलिखित में हो सकता है, प्लीज कमेंट। तो यहां पर चार हो सकता है, नहीं अभी यही बात कर रहा था मैं, अगर किसी संख्या के अंत में पांच है, इंड में क्या है पांच है, तो दहाई पर किसी भी हालत में दो ही होगा। अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, ना आठ होगा ना छह होगा, क्या होगा बताओ दो होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, करेक्ट है, तो डी ऑप्शन दो ही इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल होगा, प्लीज इसको पॉइंट कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए अब यहां पर जैसे ये प्रश्न है इसको पढ़िए देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया सा है। लिखा क्या है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है।
जल्दी से बता दे अगर जिसकी पॉसिबिलिटी, जो समझ पा रहा है चीजों को, कौन सा हो सकता है, क्या तीन हो सकता है, नहीं, क्या पांच हो सकता है, नहीं, सॉरी क्या दो हो सकता है, नहीं, कौन हो सकता है, बताए, पांच हो सकता है। अगर संख्या पूर्णवर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर पांच निम्नलिखित में हो सकता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअली आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझिएगा, तो आपको जो आपके यहाँ नेचर वाइज पूछा जाता है उस पर भी आप रिलेट कर लेंगे, एकदम कन्फर्म करके आएंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग एक और बात समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको पॉइंट करिएगा। सम संख्याओं का वर्ग सदैव निर्मित होता है। सम संख्याओं का वर्ग कैसे डिसाइड होता है इसको बताने की आवश्यकता है। मैं इसके कुछ और भी पॉइंट आपको कंफर्म कर दे रहा हूं, वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। सम संख्याओं का वर्ग सदैव किससे होता है बताएं? सम संख्या होती क्या है? सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं, जिसके इंड में जीरो होता है, इंड में जीरो होता है, दो होता है, चार होता है, छह होता है, आठ होता है, वही संख्या सम होती है। जब आप इनका वर्ग करते हैं, मतलब इनका वर्ग करते हैं, तो कन्फर्म है जीरो का वर्ग करने पर जीरो, दो का करने पर चार, चार का करने पर छह, छह का करने पर छह, और आठ का करने पर चार आता है अंत में। मतलब सम संख्याओं का जब वर्ग करते हैं तो 100% हमेशा एक सम संख्या ही अंत में प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम, मतलब पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट होगी बातें? यहां से कुछ बातें और आपको मैं पॉइंट वाइज समझा देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी आ है, आप जरूर कर लीजिए। जैसे हम आपको समझाएं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा के नेचर को जो समझ पा रहा हूं उसमें कॉन्सेप्ट का उपयोग भी बहुत है, इसलिए थ्योरेटिकल सेंस को समझने के लिए आपको इस सब बातों का नॉलेज होना जरूरी है। कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है भाई? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और साथ साथ वह एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, अर्थात एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। कोई भी एक संख्या पूर्ण वर्ग के साथ साथ एक इवन नंबर है, तो आप ध्यान दीजिए कि उसके उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। आपने पढ़ा था किसी संख्या के अंत में अगर दो होगा, तीन होगा, सात होगा, आठ होगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है? तो इसका मतलब दो की केस खत्म, आठ की केस खत्म। कोई संख्या सम कब होती है? मैंने अभी पीछे बताया, सम संख्या तभी होती है जब अंत में दो हो, जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, जिसमें दो की कहानी खत्म, आठ की कहानी खत्म। मैंने कहा कि अगर दो की कहानी खत्म कर दो, आठ की कहानी खत्म कर दो, तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और एक इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है, तो उसके इंड में क्या आएगा पता है? इंड में हमेशा जीरो आएगा, चार आएगा और छह आएगा, जीरो, चार, छह आएगा, ठीक है? मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और सम संख्या है, तो उसके अंत में दो नहीं आ सकता है, आठ नहीं आ सकता है, आएगा क्या? या तो जीरो, या तो चार, या तो छह, इस प्रकार से आएगा। एक और बात समझने की बहुत ही जरूरत है, वो भी ध्यान दीजिएगा, वो भी कंफर्म हो जाए आपका। एक और बात समझने की यहां पर रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है तो कंफर्म हो गया कि उसके इंड में क्या रहेगा? इंड में जीरो होगा, चार होगा, छह होगा, ठीक है? एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर समझना जरूरी है कि वह संख्या हमेशा चार से विभाज्य होगी। वह संख्या हमेशा क्या होगी? चार से विभाज्य होगी। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है, तो उसके अंत में तो तय है कि जीरो, चार, छह ही होगा, लेकिन साथ साथ यह भी तय है कि वह हमेशा चार से विभाज्य होगी। और कोई संख्या अगर चार से विभाज्य होता है, चार से विभाज्यता किसकी तय होती है? जिसके अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होंगे, ठीक है? अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होंगे, मतलब चार से कोई संख्या कब विभाज्य होती है? जब उसके अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर चले आइए, एग्जाम्पल देखिए तो आपको कई बातें तय हो जाएंगी, समझ में आएगी। जैसे देखो, आप सबको पता है 64 है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अंत में चार है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो आप देखेंगे तो यहां पर यह संख्या चार से भी विभाज्य है। जैसे आगे देखिए, 256 है, बोलो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? बिल्कुल है, अंत में छह है तो पूर्ण वर्ग है, और एक सम संख्या भी है।
क्या यह संख्या चार से कटेगी? हाँ, 56 को चार से काटिए तो बिल्कुल कट जाएगी। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है और एक सम संख्या है, श्योर है कि उसके अंत में 0, 4, 6 ही होगा और वह संख्या हमेशा चार से कटेगी। किससे कटेगी? चार से कटेगी, अर्थात उसके अंतिम दो अंक चार से कटेंगे। अंतिम दो अंक क्या होंगे? चार से बिल्कुल कटेंगे, 100% कटेंगे। ये सब बातें बड़ी थ्योरेटिकल हैं और एकदम क्लियर करके चलिएगा, जैसे कि कन्फर्म रहे, कभी भी डाउट ना हो। जैसे 10 तो 24 है, ठीक है, 32 का वर्ग होता है, अंतिम में देखो चार है और अंतिम दो अंक चार से कट रहे हैं। लेकिन फिर वही कंडीशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई संख्या चार से विभाज्य हो, अंतिम में 0, 4, 6 हो, तो जरूरी थोड़ी एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग है और सम संख्या है तो 100% एक कंडीशन उसके साथ फुलफिल होनी चाहिए, प्रश्न बने तो हम लोग उस पर अपना कॉन्सेप्ट दे सके, अपनी बातें बता सके, बिल्कुल अपने अप्रोच को सिद्ध कर सके और थ्योरेटिकली डिफाइन कर सके कि यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसे देखिए इस पर कुछ कंडीशनल हम प्रश्नों को भी जनरेट कर देंगे, लेकिन बढ़ते रहिए, समझते रहिए, वहां पर चीजों को कन्फर्म करते रहिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक यहीं पर और पॉइंट हम आपको बताना चाहते थे, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। जैसे अभी आपने देखा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग क्या है? संख्या है, और साथ साथ एक सम संख्या भी है, सम संख्या है। तो आपने अंत में क्या क्या बता दिया हमें कि क्या क्या आ सकता है? आपने कहा सर अंत में 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। चलो 0 और 4 को भी छोड़ दो, 6 के लिए थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिएगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 6 है, अंत में क्या है? 6 है, तो दहाई का अंक हमेशा एक विषम संख्या होगी, कभी सम हो ही नहीं सकती, विषम संख्या होगी। ठीक है, दहाई का अंक क्या होगा? हमेशा विषम संख्या होगी। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है और उसके अंत में 6 है, तो श्योर है कि उसका जो डेसिमल 10th प्लेस होगा, दहाई का स्थान होगा, वो हमेशा एक विषम संख्या होगी, कभी सम संख्या पॉसिबल नहीं है। जैसे आप खुद ही सोच लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने कहा 256 है, एक पूर्ण वर्ग है, हाँ है, अंत में 6 है, दहाई पर क्या है? एक दहाई पर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, श्योर है, ये होना ही तय है हमेशा, कभी, जैसे 576 है, पूर्ण वर्ग है, अंत में 6 है, दहाई पर एक ऑड नंबर है, ये होना तय है। अगर कोई संख्या के इंड में आपको 6 दिखेगा तो दहाई पर पूर्ण वर्ग के लिए हमेशा आपको एक विषम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? विषम संख्या ही मिलेगी, अर्थात ऑड नंबर ही मिलेगी। इन बातों को जो मैं बता रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोई कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको कोई प्रश्नों में ढाल नहीं सकता है। ठीक है, कोई प्रश्नों में ढाल नहीं सकता है, लेकिन जब वो प्रश्न आएंगे तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं यही आपके दिमाग में रहेगा, तो आप इसका उत्तर दे लेंगे, और नहीं रहेगा तो आपको लगेगा क्या न्यूमेरिकल करूं, मुझे तो आएगा ही नहीं समझ में। तो इसलिए आपको मैं सजेशन कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से यहां पर समझिए, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी और कभी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, एक और कंडीशन इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसको देख लीजिएगा क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य है, क्या है? शून्य है, तो शून्यों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य है, तो शून्यों की संख्या हमेशा समबार होगी। क्या होगी? समबार होगी। समबार होने का मतलब क्या होता है? दो बार होगी, चार बार होगी, 6 बार होगी, 8 बार होगी, 10 बार होगी, इतनी बार होगी, 12 बार होगी, 14 बार होगी, 16 बार होगी। जैसे देखो, एक के बाद एक 0, 100 पूर्ण वर्ग है, लेकिन एक के बाद 3 0 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, एक के बाद 4 0 पूर्ण वर्ग है, लेकिन एक के बाद 5 0 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग अगर कोई संख्या है और अंत में 0 है, तो 0 की संख्या हमेशा सम बार होगी, अर्थात 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, ऐसे होगी। लेकिन ये भी वही, फिर वही बात होती है कि जो हम बातें आपको बता रहे हैं पूर्ण वर्ग के लिए लागू हो रही है पूरी तरह से, लेकिन रिवर्स सोचो तो ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी उसको सेटिस्फाई ही करेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या सम है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 है, तो 0 की संख्या हमेशा समबार होगी, ये श्योर है। लेकिन क्या सभी ऐसी संख्याएं जिनके अंत में समबार 0 है सब पूर्ण वर्ग ही हो जाएंगी? कहां हो गई भाई,
200 कहां पूर्ण वर्ग है, तो दो बार जीरो नहीं होगा। फिर वही बातें हैं कि आपका सिलेक्शन होगा तो कंफर्म है कि पात्रता परीक्षा पास किया है, लेकिन क्या सभी पात्रता परीक्षा पास धारक क्या क्वालिफाई कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वही बातें हैं कि अगर ऐसा है वह पूर्ण वर्ग है और अंत में जीरो है तो जीरो का समबार होना कंपलसरी है, लेकिन समबार सभी जीरो के हिसाब से संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसको आप लोग ध्यान, हाँ पेयर में होगी, दो दो के पेयर की बातें बन कर आएंगी, इसको बहुत क्लियरली समझिएगा। अब जैसे यहां पर प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी, बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। अब जैसे ऑप्शन दिया है समबार होगी, विषमबार तो होगी नहीं, अभाज्य बार। अब अभाज्य देखो ये थोड़ा सा यहां पर जैसे ऑप्शन आएगा, ठीक है, अब जैसे ऑप्शन आएगा अगर यहां पर ई इनमें से एक से अधिक, बिल्कुल सम को हम लोग यहां पर एक अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, दो भी तो एक अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब जो संख्या होगी वह एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है, वह क्या हो सकती है, वह एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन सही है और उसी के हिसाब से बनाया भी गया है प्रश्न, लेकिन आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएगा तो आप कहोगे सर एक से अधिक यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से आप लोग देखिए तो आपको कंफर्म चीजें हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत है इसमें, यस। ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग बताइए किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग सदैव विभाज्य होगा, किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग सदैव विभाज्य होगा, बड़ी से बड़ी संख्या से बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई सम संख्या है और पूर्ण वर्ग है तो वह किससे विभाज्य होगा, कौन इसका उत्तर दे सकता है बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, सम संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो गारंटी है कि वह चार से विभाज्य होगी, चार से क्या होगी, विभाज्य होगी। आप लोग क्या ऑप्शन दे रहे हैं मुझे बता दीजिए, दरअसल जो संख्या चार से विभाज्य होगी 100% वह आठ से भी विभाज्य होगी, ऐसा होगा क्या, मेरा ये कहने का अर्थ है कि जो संख्या आठ से कटेगी, जो संख्या आठ से कटेगी, आठ से विभाज्य होगी, आठ से विभाज्य होगी, वह संख्या 100% चार से भी होगी, चार से भी विभाज्य होगी। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बहुत गंभीरता से देखिएगा, जो आठ के पहाड़े में आएगा वो गारंटीड चार के पहाड़े में भी आएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमको डी लगाना है। जैसे इसमें कहा है कि आप ध्यान से देखिएगा, किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग सदैव विभाज्य होगा, चार से तो होगा, लेकिन इसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यहां पर हम आठ को लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो संख्या आठ से कट जाएगी उससे और चार से कटेगी, तो आप इसका उत्तर यहां पर क्या बताओगे, आठ बताओगे, आठ बताओगे, दो नहीं बता सकते हो, चार के ऊपर जो संख्या चार के पहाड़े में आएगी आठ से यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे तो इसका सही उत्तर आपके सामने है, क्लियर होगी बातें, चलिए इतना कंफर्म हो गया, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, कोई समस्या नहीं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो, तो निम्न में कौन सा अंक उनके दहाई स्थान पर कभी भी नहीं हो सकता है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि 6 हो, मैंने कहा अगर इंड में आपको 6 दिखे तो टेंस में अर्थात दहाई पर क्या होगा बताइए, हमेशा एक विषम संख्या होगी, दहाई पर क्या होगी, विषम होगी। तो आपको पता है जैसे इसमें लिखा है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो तो निम्न में कौन सा अंक उनके दहाई स्थान पर ना तो 4 हो पाएगा, ना 2 हो पाएगा, ना 8 हो पाएगा, मतलब कोई नहीं हो पाएगा, कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, यहां पर समझिएगा। इसके बारे में बताइए, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो तो निम्न में कौन सा अंक उनके दहाई स्थान पर कभी भी नहीं हो सकता, ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 8 होगा, हमेशा विषम होना चाहिए, विषम यहां पर कोई है नहीं, एक कोई नहीं हो सकते, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, ठीक है, यस, आई बातें समझ में। और देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 9 है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि 9 है, देखो पूर्ण वर्ग के अंतिम में क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या है और अगर उसका अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है, अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, छोटा लिख दू थोड़ा सा सेट हो जाए, हमने कहा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो, यार अंतिम अंक देखो क्या क्या हो सकता है,
अंतिम अंक जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, नौ हो सकता है, करेक्ट है। जीरो के लिए उसके देखो यहां पर लिखा क्या, किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि नौ है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक क्या होगा, जीरो का वर्ग जीरो होता है, जीरो होगा। इसके लिए सोचो तो दो ऑप्शन है, एक तो एक है, दूसरा नौ, क्योंकि एक का वर्ग एक होता है, नौ का वर्ग इक्यासी अर्थात एक होता है। चार के लिए भी दो ऑप्शन है, दो होगा और आठ होगा, दो का वर्ग करने पर चार और आठ का वर्ग करने पर चौसठ भी चार। पच्चीस के लिए पांच होगा, छह के लिए दो ऑप्शन है, चार होगा छह होगा। नौ के लिए भी दो ऑप्शन है, तीन होगा और सात होगा, मतलब तीन का वर्ग करने पर भी अंत में नौ आता है, सात का वर्ग करने पर भी नौ आता है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा। अगर अकेले आप तीन सात या नौ कोई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसका क्या होगा बताएं, डी ऑप्शन तीन और सात दोनों होगा, तीन और सात दोनों, चौथा 14 था, आप लोग ट्राई कर लीजिए, सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो आप लोग ट्राई कर ही चुके हैं। ए और एक लास्ट करते हैं, इसके बाद में आपका सेशन वर्गमूल कर कंटिन्यू करूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25 है, संख्या के अंतिम दो अंक क्या है, 25 है, लास्ट टू डिजिट 25 है, वह संख्या के लिए कौन सा कथन सत्य है बताइए, वह संख्या सदैव पूर्णवर्ग होगी। अगर अंतिम दो अंक 25 है तो क्या जरूरी है कि वह पूर्णवर्ग होगा, भाई ये तो हम पूरी तरह से सहमत नहीं इस बात से, भाई 125 है तो कहां पूर्णवर्ग है, 325 है तो कहां पूर्णवर्ग है। अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25 है तो जरूरी नहीं कि वह पूर्णवर्ग है, हम पहली बात से तो पूरी तरह सहमत नहीं है। वह संख्या कभी भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी इस बात से भी सहमत नहीं, क्योंकि यह पूर्णवर्ग हो भी सकती है, पहले तो 25 ही पूर्णवर्ग है, 625 है, 225 है, पूर्णवर्ग तो हो रहे हैं। वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बिल्कुल हो सकता है, जैसे 225 लिख दो तो पूर्णवर्ग है, 625 लिख दो पूर्णवर्ग है, बट 125 लिख दो पूर्णवर्ग नहीं है, ठीक है, 125 लिख दो पूर्णवर्ग नहीं है, 325 लिख दो पूर्णवर्ग नहीं है, तो यहां पर यह उत्तर होगा कौन सा ऑप्शन। यहां पर लिखा है कि वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या हो भी सकती है या पूर्णवर्ग संख्या नहीं भी हो सकती है, तो केवल कथन ए, केवल कथन बी, सी केवल कथन सी, कोई कथन सत्य नहीं है। यहां पर हम लोग तीसरे कथन की बात करेंगे, यहां पर थ्री स्टेटमेंट, जो तीसरा स्टेटमेंट है केवल कथन, जैसे इसमें एक लिखना चाहिए, यहां दो लिखना चाहिए, यहां पर तीन लिखना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन को हम लोग यहां पर सजेस्ट करेंगे, कौन सा सत्य है, केवल कथन तीन सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है 16वां नंबर आपका डन हो गया है। ठीक है, मैं आज आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं आज आगे का सेशन आपका कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं, इसके बाद का पार्ट जैसे मैंने वर्गमूल डलवाया था और वर्गमूल की सीट भी मैंने रेडी कराई है, लेकिन मैं कंटिन्यू इसको कल की क्लास में करूंगा। हालांकि आप थोड़ा सा भी समय अगर आधे घंटे का भी होता तो मैं इसको पूर्ण कर देता, लेकिन मैं एक क्लास और इसकी लूंगा तो वहां से वर्गमूल की भी बहुत सारी अच्छी स्थितियां, पूर्णवर्ग की और सारी स्थितियां, जिसमें कुछ ऐसी स्थिति बनती है क्या गुणा कर दे पूर्णवर्ग हो जाए, क्या जोड़ दे पूर्णवर्ग हो जाए, इस पर एक सेशन और मेरे साथ आप कवर कर लीजिएगा, जिससे कि यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए मुझे क्षमा करिएगा, इतनी ही देर तक मैं आपके सेशन ले सकता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू और करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो में आप डेली बने रहिए, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कल मुलाकात होगी आपके निर्धारित समय, हम लोग फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।